सो कैसे हो बच्चों? सब बढ़िया। चलो करें फिर क्लास स्टार्ट। चलिए देखिए, वैसे तो मैंने आप लोगों की पहली क्लास ली थी जिसमें हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बेसिक के बारे में आपको बताया था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है और थेल्स की थ्योरी क्या है। थोड़ा सा बेसिक मैंने बताया आपको। मैं थोड़ा सा बेसिक एक बार रिवाइज सा करा देता हूँ आप लोगों को, फिर हमारा आज से पहला लेक्चर स्टार्ट हो जाएगा। यानी आप ये समझिए कि ये बिल्कुल प्रोफेशनली आपका फर्स्ट लेक्चर है। यहाँ से आपको काम करना है, स्टार्ट करना है, अपने नोट्स बनाने स्टार्ट करने हैं और सारी चीज़ों को ना बहुत ध्यान से समझकर अच्छे तरीके से तब आप लोगों को चलना है। 12th की ये हमारी पहली क्लास है इंट्रोडक्शन के बाद, ठीक है? चलिए, सबसे पहला पॉइंट हमारे पास में है, एक छोटे से बेसिक इंट्रोडक्शन के तौर पर मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। सबसे पहला पॉइंट हमारे पास में है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। वैसे तो मैं बता चुका हूं कि भैया इलेक्ट्रो मतलब चार्ज और स्टैटिक्स मतलब इन रेस्ट, यानी रेस्ट में रखा हुआ चार्ज, स्टैटिक चार्ज जो जो प्रॉपर्टीज शो करेगा उन्हें हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर डालेंगे। ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है, स्टेशनरी चार्ज जो जो प्रॉपर्टीज शो करेगा वो हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर पढ़ने वाले हैं। ओके, फंडामेंटल लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जिसे हम लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहते हैं, मैं अभी इसकी बात नहीं करूंगा यार, क्योंकि ये कूलम्स लॉ का पोर्शन है। लाइक चार्ज रिपेल टू ईच अदर एंड अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट टू ईच अदर। मैंने आपको सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का यहाँ मतलब बताया कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब क्या है। आप लोगों को भी ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब क्या है और हम क्या पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रॉन यानी चार्ज और स्टैटिक्स मीन्स इन रेस्ट, यानी रेस्ट में रखा हुआ चार्ज जो जो प्रॉपर्टी शो करेगा वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहलाएगा। मुझे पता है यार तुम बोर हो गए होंगे क्योंकि काफ़ी बार मैं रिपीट कर चुका हूँ, लेकिन आज बहुत सारे स्टूडेंट हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, इसीलिए थोड़ा सा बेसिक इंट्रोडक्शन दोबारा से बताना पड़ेगा, ठीक है? ओके, हम लोग आगे चलते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो अगला नंबर हमारे पास में है स्टूडेंट्स, वो है इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज बेसिकली है क्या और हम क्या पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज के अंदर। देखो, इलेक्ट्रिक चार्ज का सीधा सा मतलब इस बात से है एक्सेस और डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन का ज्यादा होना मींस नेगेटिव चार्ज, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का कम होना मींस पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव चार्ज एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का ज्यादा होना, ठीक है? इलेक्ट्रिक चार्ज वो फिजिकल क्वांटिटी है जो इस बात को रिप्रेजेंट करती है कि इसका इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक बिहेवियर क्या है। यानी किसी भी बॉडी के इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक बिहेवियर को डिफाइन करने के लिए हम इलेक्ट्रिक चार्ज वाले टर्म का यूज करते हैं। स्टूडेंट्स आप ध्यान रखेंगे, ठीक है? अब यहां से मैंने इलेक्ट्रिक चार्ज को दो कैटेगरीज के अंदर बांट दिया है। फर्स्ट इज पॉजिटिव चार्ज एंड सेकेंड इज नेगेटिव चार्ज। फर्स्ट पॉजिटिव चार्ज एंड सेकेंड इज नेगेटिव चार्ज। फर्स्ट पॉजिटिव चार्ज है, जस्ट अ सेकेंड, ओके, इलेक्ट्रिक चार्ज। हमने इलेक्ट्रिक चार्ज को यहां दो कैटेगरीज के अंदर बांट दिया है, फर्स्ट पॉजिटिव चार्ज, सेकेंड नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की कमी। स्टूडेंट्स जहां भी इलेक्ट्रॉन की कमी होगी वहां पॉजिटिव चार्ज आएगा। नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन का ज्यादा होना, इलेक्ट्रॉन का ज्यादा होना यानी एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है? ये हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज है। ओके, देखते हैं कि थोड़ा सा बेसिक आपके सामने लिखा हुआ है। व्हेन एन एटम गेन्स एन इलेक्ट्रॉन इट इज नेगेटिवली चार्ज। जब ये इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा स्टूडेंट, एटम गेन्स एन इलेक्ट्रॉन इट इज कॉल्ड नेगेटिवली चार्ज। इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गए उसके पास में, नेगेटिव चार्ज आ गया तो वो हमारा नेगेटिव चार्ज कहलाएगा। सेकेंड, व्हेन एन एटम लॉस, भैया लूज करेगा इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना? इलेक्ट्रॉन इसके अंदर से निकल जाएंगे, तो अगर इलेक्ट्रॉन इसके अंदर से निकल गए तो नेगेटिव चार्ज इसके अंदर से निकल गया, और अगर नेगेटिव चार्ज इसके अंदर से निकल गया तो इसका मतलब यह है कि बॉडी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया है, ठीक है? आप इस बात को ध्यान रखेंगे अच्छे से। नेक्स्ट, अ नेट इलेक्ट्रिक चार्ज इज प्रोड्यूस्ड व्हेन देयर इज टू मैनी और टू फ्यू इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है? मैंने जैसे कि आपसे कहा, टू मैनी एक्सेस, टू फ्यू यानी कम, एक्सेस यानी नेगेटिव चार्ज,
और टू फ्यू यानी कम यानी पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। रिमेंबर, भूलना नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है, अच्छे तरीके से याद रखना है। फिजिक्स में विजय प्राप्त करनी है इस बार हम लोगों को, फिजिक्स में मार्क्स नहीं कमाने चाहिए, कोई भी एग्जाम हो एक एक पॉइंट क्लियर होना चाहिए बिल्कुल अच्छे से। सो मैंने आपको बता दिया है इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है। कोई अगर पूछे ना कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, आप क्या जवाब दोगे? इलेक्ट्रॉन की कमी या इलेक्ट्रॉन का ज्यादा होना, एक्सेस और डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक्सेस नेगेटिव चार्ज, डेफिशिएंसी पॉजिटिव चार्ज। ये बात आपको भूलनी नहीं है, अच्छे तरीके से याद रखनी है, ठीक है। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट अभी हम लोग बढ़ते हैं आगे, और अगला नंबर हमारे पास में आता है यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इसकी भी हम बात ऑलरेडी कर चुके हैं, लेकिन दोबारा से यार फिर इसकी हम लोगों को बात करनी है, जरूरी भी है। आपको हर पॉइंट को अच्छे तरीके से ध्यान में रख के चलना है, सारी चीजों को फील करना है। जब तक क्लियरिटी नहीं आएगी तब तक आगे नहीं बढ़ना है। ये 10-15 दिन है कैसे भी करके हमें ऑनलाइन क्लासेस के अंदर गुजारने हैं, फिर दोबारा से हम लोग अपने ऑफलाइन के ऊपर लौटेंगे, ठीक है। अभी हम लोग आ जाते हैं यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज के अंदर। देखिए SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, कूलम्ब, रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल C। कैपिटल C से हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। अनदर यूनिट इक्विवेलेंट टू 1 कूलम इज इक्वल टू 1 एम्पियर सेकेंड। भैया याद कर लेना है अच्छे तरीके से, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। चार्ज की SI यूनिट है कूलम, जिसे हम कूलम भी बोलते हैं। दूसरी यूनिट है एम्पियर सेकेंड। देखो इसके बाद चार्ज की जो हमारी नेक्स्ट यूनिट आती है स्टूडेंट्स, ये है ESU। इसका नाम है स्टैटिक कूलम्ब, या हम इसे इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट के नाम से भी पुकारते हैं, इलेक्ट्रो स्टैटिक यूनिट के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। नेक्स्ट EMU, इसका नाम है इलेक्ट्रो मैग्नेटिक यूनिट। स्टूडेंट इसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, ठीक है। इसके बाद में आता है फेराडे, उसके बाद आता है फ्रैंकलिन, उसके बाद आता है एम्पियर आवर, ठीक है। कुल मिलाकर ये चार्ज की हमारी सारी यूनिट है। कूलाम SI यूनिट है, एम्पियर सेकेंड SI यूनिट है, स्टैटिक कूलाम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट यानी ESU, फेराडे, फ्रैंकलिन एंड एम्पियर आवर, ये सारी हमारी चार्ज की यूनिट है जिनका हम इस चैप्टर के अंदर यूज करने वाले हैं। तो एक बेसिक क्वेश्चन हमसे बन जाता है, वॉट इज द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज। दिस इज द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज एंड दिस इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज। फ्रैंकलिन चार्ज की सबसे छोटी यूनिट है स्टूडेंट्स, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज। याद रखिएगा, मैं चाहता हूं कि भूले ना आप लोग अच्छे तरीके से, बिल्कुल अच्छे से आप लोग याद रखिएगा, ओके। जो फेराडे है वो सबसे बड़ी यूनिट है, जो फ्रैंकलिन है वो सबसे छोटी यूनिट है, भूलना नहीं है, बिल्कुल अच्छे तरीके से याद रखना है, ओके। इसके बाद हम लोग देखते हैं, देखो नेक्स्ट कंडीशन क्या है। नेक्स्ट कंडीशन हमारे पास में क्या है, कुछ और यूनिट्स आती हैं, अनदर यूनिट्स। अगर हम कुछ एक्स्ट्रा यूनिट्स की बात करें, मैं यहां लिख देता हूं अनदर यूनिट्स। देखिए अनदर यूनिट्स, कुछ एक्स्ट्रा यूनिट क्या है हमारे पास में। मैंने आपसे कहा कि चार्ज की जो SI यूनिट है वो कूलाम है, ठीक है, समझ आ रही बात, भूलना नहीं है, बिल्कुल अच्छे तरीके से याद रखना है। चार्ज की जो SI यूनिट है वो कूलाम है, ठीक है। कूलाम के अलावा जो चार्ज की यूनिट हो सकती है वो कौन कौन सी हो सकती है, आपको ध्यान देना है। देखिए प्रैक्टिकल यूनिट, जिनका हम प्रैक्टिकल लेवल पर यूज करते हैं, प्रैक्टिकल यूनिट, जैसे कि 1 मिली कूलम 10^-3 कूलम, 1 माइक्रो कूलम 10^-6 कूलम, 1 नैनो कूलम 10^-9 कूलम, 1 पीको कूलम 10^-12 कूलम,
1 μmC 10⁻¹2 कूलम। ये सारी प्रैक्टिकल यूनिट्स की कैटेगरी में आती हैं स्टूडेंट्स, यानी न्यूमेरिकल जितने भी हमारे पास में आएंगे वो सब इनके टर्म में आएंगे। स्मॉल m मिली, ओके, म्यू माइक्रो, स्मॉल n नैनो, पी पीको, म्यू म्यू माइक्रो माइक्रो, ठीक है। 10⁻¹2, 10⁻¹12, 10⁻¹9, 10⁻¹6 एंड लास्ट 10⁻³। याद रखना है, भूलना नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से याद रखना है आप लोगों को। तो ये सारी हमारी चार्ज की यूनिट है। मैं दोबारा से फिर रिपीट करता हूँ यार, मैं चाहता हूँ कि याद रखो बढ़िया करके, भूलना नहीं बिल्कुल भी। कूलम्ब, एम्पियर सेकेंड, ESU, EMU, फेराडे, फ्रैंकलिन, मिलीकुलम, माइक्रोकुलम, नैनोकुलम, पीकोकुलम, माइक्रो माइक्रोकुलम। वीडियो को पॉज करिए और पॉज करने के बाद में सारी यूनिट को कम से कम दो दो बार अपनी कॉपी के अंदर लिख कर देखिए। बिल्कुल जरूरी काम है, अभी लिख कर देखना है आप लोगों को। वीडियो को यहीं के यहीं पॉज कर दीजिए और दो दो बार आप लोगों को सारी यूनिट्स लिख कर देखनी है। कूलम्ब, एम्पियर सेकेंड, ESU, EMU, फेराडे, फ्रैंकलिन, मिलीकुलम, माइक्रोकुलम, नैनोकुलम, पीकोकुलम, माइक्रो माइक्रोकुलम, ठीक है, ओके, किया आप लोगों ने, वेरी नाइस। अब इनके अंदर कुछ कन्वर्जन्स आते हैं हमारे पास में, जैसे कि कन्वर्जन्स कौन कौन से हैं मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आप देखिए ध्यान से, हमारे पास में कन्वर्जन क्या है, 1 EMU इज इक्वल टू 10 कूलम्ब। बिल्कुल अच्छे से याद रखनी है ये बात, 1 EMU इज इक्वल टू 10 कूलम्ब, ओके। नेक्स्ट, 1 कूलम्ब इज इक्वल टू 3 × 10⁹ ESU, भूलना नहीं है, बिल्कुल नहीं भूलना है, 3 × 10⁹ ESU, ओके। नेक्स्ट, 1 EMU इज इक्वल टू 3 × 10⁻¹⁰ ESU। ये 1 EMU और ESU के बीच में रिलेशन है, मैंने कहा ना कि दो दो बार लिखकर जरूर देखना है, ये मेन प्रायोरिटी है, आपको दो दो बार लिखकर देखना है हर एक चीज को, जिससे कि तुम्हारे दिमाग में ये सारी चीजें बैठ जाएं और याद रहे, क्वेश्चन बनेगा इनके ऊपर, बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। 1 EMU इज इक्वल टू 3 × 10⁻¹⁰ ESU, ठीक है। उसके बाद फेराडे मैंने आप लोगों से क्या बताया, चार्ज की सबसे बड़ी यूनिट है। फ्रैंकलिन क्या है, चार्ज की सबसे छोटी यूनिट है। तो अगर मैं फेराडे की बात करूं तो 1 फेराडे इज इक्वल टू 96500 कूलम्ब। एक फेराडे की वैल्यू ये है, ठीक है, ये हमारी 1 फेराडे की वैल्यू है। उसके बाद में 1 एम्पियर आवर इज इक्वल टू 3600 कूलम्ब। ये हमारे पास में सारी वैल्यूज हैं स्टूडेंट, ये डेटा वाइज प्रॉब्लम है, सारी कंडीशंस मैंने आपके सामने लिख दी हैं, बिल्कुल बढ़िया करके आप इसे याद करेंगे, ओके, भूलना नहीं है, याद कर लेंगे ना, कोई इशू तो नहीं है, ओके। अब यही कहीं वीडियो को पॉज कर दीजिए, आपके सामने सब कुछ लिखा हुआ है और पॉज करने के बाद में सब चीज़ें अपनी कॉपी के अंदर आप नोट डाउन कर लीजिए। सबसे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की डेफिनेशन लिखेंगे, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स इन द स्टडी ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ स्टेशनरी चार्ज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। फर्स्ट स्लाइड के अंदर, फर्स्ट स्लाइड को पॉज करके डेफिनेशन आप लिख सकते हैं। उसके बाद आप लिखेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज रिप्रेजेंट करता है एक्सेस और डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन को। पॉजिटिव चार्ज मींस इलेक्ट्रॉन की कमी, इलेक्ट्रॉन का कम होना, नेगेटिव चार्ज मींस इलेक्ट्रॉन का ज्यादा होना, इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद हमने आपको क्या बताया, उसके बाद हमने बताया कि चार्ज की यूनिट्स क्या क्या हैं। ये सारी चार्ज की यूनिट्स हैं स्टूडेंट, याद रखेंगे आप, ये यहीं पॉज करके आप सारी चीजें अपनी कॉपी के अंदर नोट डाउन कर लीजिए, ओके। नेक्स्ट, सो अगर हम चार्ज के बारे में थोड़ी सी और बात करें, चार्ज के बारे में अगर कुछ और हम लोग देखें तो चार्ज में और क्या क्या चीजें निकल कर आती हैं ये हमें देखना है। देखिए चार्ज में और क्या हमारे सामने निकल कर आएगा, जैसे कि चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है, चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है, ये फर्स्ट पॉइंट है। नंबर टू, इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल क्यू और कैपिटल क्यू, ठीक है। नंबर तीन, यार बार बार दोहराना अच्छा तो नहीं लगता है लेकिन मैं चाहता हूं कि याद हो जाए, बच्चों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम ना हो, पॉजिटिव नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन की कमी, डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का ज्यादा होना,
एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, याद रखेगा इस बात को अच्छे से। नेक्स्ट स्केलर क्वांटिटी है, स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू से डिनोट करेंगे, ये चार्ज है, इसकी दो प्रॉपर्टीज है। डायमेंशन ऑफ चार्ज, डायमेंशन ऑफ चार्ज, चार्ज की डायमेंशन होने वाली है स्टूडेंट्स 80, ए इज द एम्पियर एंड टी इज द टाइम, ठीक है, ये चार्ज की डायमेंशन है। सो ये सारी बातें हम लोगों ने कर ली हैं, आप ध्यान रखिएगा, इसे भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा। अभी हम लोग आ जाते हैं यार प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, यह है दमदार टॉपिक, यहां से मजा आने वाला है खूब, क्योंकि यहां से माहौल बनना स्टार्ट होगा कि क्या हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। सो प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है स्टूडेंट्स ये। अब जो हमारे पास में चार्ज की सबसे पहली प्रॉपर्टी आती है वो आपके सामने मेंशन है, लाइक चार्ज रिपेल टू ईच अदर एंड अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट टू ईच अदर। बहुत मुश्किल बात तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि 10th क्लास के अंदर हमें इसकी पहले ही झलक दिखा चुके हैं, ठीक है, टीचर्स जो है ना हमें इसके बारे में पहले ही बता चुके हैं कि पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को रिपेल करेंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, लाइक चार्ज रिपेल टू ईच अदर, अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट टू ईच अदर, एक जैसे चार्ज रिपेल करेंगे, अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट करेंगे। यहां मैं इसकी बहुत बात नहीं करूंगा, क्योंकि ये एक फोर्स की कंडीशन आ गई है, रिपल्शन हो रहा है, रिपल्शन हो रहा है या अट्रैक्शन हो रहा है, हम इसे खूब डिटेल के अंदर पढ़ेंगे, लेकिन कूलम्स लॉ में, कूलम्स लॉ में एक एक पॉइंट के ऊपर इसके ऊपर गौर करेंगे हम लोग, ऐसा कोई पॉइंट नहीं छोड़ेंगे जहां से क्वेश्चन बन सके, ठीक है। ठीक है, अभी आ जाते हैं हम लोग सेकेंड प्रॉपर्टी के अंदर। देखो सेकेंड प्रॉपर्टी है हमारे पास में एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज, एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज, यानी एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज क्या है, अगर मैं बिल्कुल आसान शब्दों में आपको समझाऊं तो क्या है इसका मतलब, देखिए जरा। मान लीजिए कि हमारे पास में कोई बंद सिस्टम है, आइसोलेटेड सिस्टम है कोई हमारे पास में, ठीक है, मैंने इस आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर Q1 Q2 माइनस के Q3 प्लस के Q4 मैंने इतना चार्ज इसके अंदर रख दिया, ये कैसा है पॉजिटिव, ये कैसा है पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये कैसा है नेगेटिव। पॉजिटिव को देखते ही कान खड़े हो जाने चाहिए तुम लोगों को, एकदम से पता चल जाएगा कि पॉजिटिव का मतलब क्या है, पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन की कमी, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन का ज्यादा होना, ठीक है, याद रखेंगे आप लोग, ठीक है, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव। हमें देखना है कि सिस्टम के अंदर टोटल चार्ज कितना होगा। अब कैसे देखेंगे टोटल चार्ज, एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि चार्ज एल्जेब्रिक सम के कॉन्सेप्ट को फॉलो करता है। मींस अगर आप इस सिस्टम के अंदर रखे हुए टोटल चार्ज को ऐड करेंगे, याद रखिएगा जो मैं बताने वाला हूं आप लोगों को, अगर आप इस सिस्टम के अंदर रखे हुए टोटल चार्ज को ऐड करेंगे तो जोड़ते समय जो चार्ज पॉजिटिव है उसे पॉजिटिव लेना है और जो चार्ज नेगेटिव है उसे नेगेटिव लेना है। रिमेंबर, याद रखिएगा, भूला नहीं है। देखिए जैसे कि मुझे अगर टोटल चार्ज निकालना है Q1 प्लस का है, सो प्लस Q1 प्लस Q2 माइनस Q3 एंड प्लस Q4, ये मेरे पास में इस सिस्टम के अंदर टोटल चार्ज हो जाएगा स्टूडेंट्स, Q1 प्लस Q2 माइनस के Q3 प्लस Q4, ये इस सिस्टम के अंदर मौजूद टोटल चार्ज की वैल्यू है। जो चार्ज पॉजिटिव है वो मैंने पॉजिटिव लिया है, जो चार्ज नेगेटिव है वो मैंने नेगेटिव लिया है, कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। एक छोटा सा एग्जाम्पल बताते हैं, सब समझ में आएगा, चिंता मत करो। देखो यही बना देते हैं इसके ऊपर एग्जाम्पल, जैसे कि प्लस 2e प्लस 2e माइनस e प्लस 4e, पहले तो इसका मतलब समझो यार, बंद सिस्टम है, प्लस 2e प्लस 2e, e मींस इलेक्ट्रॉन, प्लस 2e यानी प्लस दो इलेक्ट्रॉन की कमी है, यहां दो इलेक्ट्रॉन कम है भैया, याद रखेगा, प्लस 2e यहां दो इलेक्ट्रॉन कम है, प्लस 4e यहां चार इलेक्ट्रॉन कम है, माइनस यहां एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है। तो अगर मुझे सिस्टम के अंदर टोटल चार्ज कैलकुलेट करना है तो कितना होगा टोटल चार्ज, जरा देखिए, प्लस 2e प्लस 2e प्लस 4e माइनस के e, सो टोटल चार्ज इज इक्वल टू प्लस 2e प्लस 2e माइनस के e प्लस 4e, ओके, सो टोटल चार्ज इज इक्वल टू 2e 2e 4e 8e माइनस e 7e,
दिस इज द वैल्यू ऑफ टोटल चार्ज. ओके स्टूडेंट्स, दिस इज द वैल्यू ऑफ टोटल चार्ज. इस सिस्टम के अंदर टोटल चार्ज इतना रहने वाला है. ठीक है, थैंक यू. सो स्टूडेंट्स, टोटल चार्ज जो सिस्टम के अंदर रहने वाला है, दिस इज 7e + 7e, मतलब है कि 7 इलेक्ट्रॉन कम है इसके पास में. ये मैंने टोटल चार्ज इसके ऊपर कैलकुलेट कर दिया है. ठीक है, सो ये हमारी एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज की प्रॉपर्टी है. तो पहली प्रॉपर्टी हो गई है कि एक जैसे चार्ज एक दूसरे को पीछे हटाएंगे, प्लस प्लस पीछे हटाएंगे, माइनस माइनस पीछे हटाएंगे, और प्लस माइनस एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे. सेकंड प्रॉपर्टी ये हो गई है कि अगर किसी सिस्टम के अंदर बहुत सारे चार्जेस आपको दे रखे हैं और वो पॉजिटिव भी हैं और नेगेटिव भी हैं, जब आप सारे चार्जेस को आपस में ऐड करेंगे तो आप जोड़ते समय जो चार्ज पॉजिटिव है उसे पॉजिटिव लो और जो नेगेटिव है उसे नेगेटिव लो. लाइक +Q1 +Q2 -Q3 +Q4, जब हम सारे चार्जेस को आपस में जोड़ेंगे तो +Q1 +Q2 -Q3 और +Q4 हमारे पास में हो जाएगा स्टूडेंट्स. ठीक है, आप ध्यान रखिएगा इस बात को. चलिए, तो दो प्रॉपर्टी हमारे पास में हो गई, आप याद रखेंगे, भूलना बिल्कुल नहीं है इस कंडीशन को. ठीक है, अभी नेक्स्ट कंडीशन में हम लोग आ जाते हैं. ये भी बड़ी महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी है बच्चों हमारे पास में. इस प्रॉपर्टी को हम नाम देते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज. क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, मुझे तो यार ऐसा लगता है कि इससे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी कोई है ही नहीं. सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, खूब मजेदार प्रॉपर्टी है, न्यूमेरिकल करने का खूब मौका मिलेगा हम लोगों को इसके अंदर और समझने का बात को मौका मिलेगा. सो थर्ड प्रॉपर्टी इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज. हम यहां क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के बारे में बात करेंगे. ठीक है, तो पहले हम लोग जान लेते हैं कि यार क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज है क्या. हम लोग क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के अंदर पढ़ने क्या वाले हैं, जैसे कि हमारे पास में एक थ्योरी आती है बच्चों, थ्योरी का नाम है इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी. ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी को इंट्रोड्यूस कराया था बेंजामिन फ्रैंकलिन ने. इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी को सबसे पहले जो इंट्रोड्यूस कराया है वो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कराया है. ठीक है, तो अभी हम फ्रैंकलिन की बात देखते हैं क्या है. बेंजामिन फ्रैंकलिन, फ्रैंकलिन के अकॉर्डिंग अगर हमारे पास में दो बॉडीज हैं, फर्स्ट बॉडी बॉडी ए, सेकेंड बॉडी बॉडी बी, हम दोनों बॉडीज के बीच में ना रबिंग कराते हैं स्टूडेंट्स, दोनों बॉडीज को एक दूसरे के ऊपर घिस डालते हैं ऐसे खूब दबा के. ठीक है, तो जैसे ही हम दोनों बॉडीज को एक दूसरे के ऊपर घिसेंगे, एक बॉडी से कुछ इलेक्ट्रॉन निकलकर दूसरी बॉडी पर चले जाएंगे. कॉमन सी बात है यार, बड़ी बेसिक बात है. अब तुम ये बताओ, अगर इस बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकलकर इस बॉडी पर चले गए तो इसके पास तो इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, इसके पास में इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए, क्योंकि तीन इलेक्ट्रॉन एक से निकलकर दूसरे में चले गए. भाई मान लो कि दोनों टीम है, 10 प्लेयर इसमें है, 10 प्लेयर इसमें है. अब तीन प्लेयर यहां से यहां चले जाएंगे तो यहां 13 प्लेयर हो जाएंगे, यहां मात्र 7 रह जाएंगे, यहां प्लेयर कम हो जाएंगे, वहां प्लेयर ज्यादा हो जाएंगे. तो बिल्कुल वही कहानी है कि कुछ इलेक्ट्रॉन यहां से निकलकर यहां चले गए. तो जिस बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकले हैं उस पर आ गया है पॉजिटिव चार्ज, और जिस बॉडी पर इलेक्ट्रॉन पहुंचे हैं उस पर आ गया है नेगेटिव चार्ज. ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहां कम हो गए, यहां ज्यादा हो गए. अब आप देखो कितने इलेक्ट्रॉन निकले हैं भैया, 3 निकले हैं, पॉजिटिव चार्ज आया है प्लस, 3 इलेक्ट्रॉन निकले हैं, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज ई, तो इस बॉडी पर आ गया है +3e चार्ज. समझ रहे हैं आप मेरी बात को. ओके, दूसरी बॉडी पर देखते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन पहुंच गए हैं दूसरी बॉडी पर, नेगेटिव चार्ज आ गया है नेगेटिव, 3 इलेक्ट्रॉन पहुंचे हैं, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है ई, तो दूसरी बॉडी का चार्ज हो गया है -3e. एक बॉडी पर चार्ज हो गया है +3e, दूसरी बॉडी पर चार्ज हो गया है -3e. ठीक है, सो अब क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या है भैया. ये तो ठीक है यार, समझ गए, लेकिन क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या है, वो क्या है, वो हम लोग समझेंगे. क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का रूल ये कहता है कि किसी भी बॉडी के ऊपर जो चार्ज आएगा वो चार्ज हमेशा इलेक्ट्रॉन के चार्ज का इंटीग्रल मल्टीपल होगा. इन शॉर्ट, आसान शब्दों में कहें तो इलेक्ट्रॉन के सामने हमेशा इंटीजर लिखा होगा, हमेशा इंटीजर में इलेक्ट्रॉन यहां से यहां ट्रांसफर होंगे, कभी पॉइंट्स में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं होंगे. कभी ऐसा नहीं होगा कि हम कहेंगे कि भाई 1.5 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गया, 1.5 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गया, पॉसिबल नहीं है. ध्यान रखिएगा, ऐसा कभी नहीं हो सकता कि एक पूरा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाए फिर आधा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाए, बिल्कुल नहीं.
जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे तो इलेक्ट्रॉन का एक पूरा नंबर, इंटीजर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होने वाला है, तो हमेशा इलेक्ट्रॉन के सामने ये जो 3 है ये हमेशा ध्यान रखेगा, इलेक्ट्रॉन का जो कॉफिशियंट है इसके जो सामने लिखा हुआ है ये हमेशा इंटीजर होना है यार, कभी डेसिमल में नहीं होना है, कभी फ्रैक्शन में नहीं होना है। आप देखिए, जैसे कि एक बॉडी है हमारे पास में, बॉडी ए, दूसरी बॉडी है हमारे पास में बॉडी बी, ठीक है। बॉडी ए का वर्क फंक्शन कम है, बॉडी बी का वर्क फंक्शन ज्यादा है। आप अभी इतना याद रखिएगा, इसका मतलब, इसका नाम होता है वर्क फंक्शन, और वर्क फंक्शन इस बात को इंडिकेट करता है कि कौन सी बॉडी पर पॉजिटिव चार्ज आएगा और कौन सी बॉडी पर नेगेटिव चार्ज आएगा। जिसका वर्क फंक्शन ज्यादा होगा उस पर हमेशा नेगेटिव चार्ज आएगा, और जिसका वर्क फंक्शन कम होगा उस पर हमेशा पॉजिटिव चार्ज आएगा। पॉजिटिव चार्ज आने का मतलब है कि उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, और नेगेटिव चार्ज आने का मतलब है कि दूसरी बॉडी उन इलेक्ट्रॉन को अपने ऊपर एक्सेप्ट कर लेगी। आप देखिए, जैसे कि हमने यहां 2 बॉडीज बनाई, ठीक है। अब जैसे मैंने 2 बॉडीज बनाई, मैंने दोनों बॉडीज को घिसा आपस में, और ए का वर्क फंक्शन कम है, बी का ज्यादा है। वर्क फंक्शन का मतलब है इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए होगी वो वर्क फंक्शन है। अब बी का वर्क फंक्शन अगर ज्यादा है तो बी के अंदर से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ज्यादा दम लगाना पड़ेगा यार, ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, और ए के अंदर से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कम एनर्जी देनी पड़ेगी। तो आसान क्या है, ए के अंदर से इलेक्ट्रॉन निकालना। तो कहां से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, ए के अंदर से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, ए के अंदर से कुछ इलेक्ट्रॉन निकलकर यहां से यहां ट्रांसफर होगा, स्टूडेंट्स हो गए, ए के अंदर से कुछ इलेक्ट्रॉन निकल गए, बी पर वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट हो गए। तो मैंने माना कि कितने इलेक्ट्रॉन निकले हैं, ध्यान से, मैंने माना कि एन इलेक्ट्रॉन निकले हैं, एन, कोई पर्टिकुलर नंबर नहीं है इस बार, 1, 2, 3, 4, नो, एन इंटीजर नंबर है एक। अगर यहां से एन इलेक्ट्रॉन निकले हैं तो भैया हम साफ साफ कह सकते हैं यहां आएगा पॉजिटिव चार्ज, यहां आएगा नेगेटिव चार्ज, ठीक है। पॉजिटिव कितना आएगा, कितने इलेक्ट्रॉन निकले हैं, एन, सो प्लस एन, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है, ई, प्लस एन, इतना चार्ज आ जाएगा इसके ऊपर, इस पर कितना चार्ज आ जाएगा, माइनस एन ई, ठीक है। बस इतना याद रखना कि यार ये जो एन रहेगा ये हमेशा इंटीजर रहेगा, हमेशा एक पूरा नंबर रहेगा, एन की जो वैल्यू रहेगी वो 1, 2, 3 डैश 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 रहेगी, एन की वैल्यू कभी भी फ्रैक्शन में या एन की वैल्यू कभी भी पॉइंट्स में नहीं हो सकती है, एन की वैल्यू कभी फ्रैक्शन में नहीं हो सकती है, एन की वैल्यू कभी पॉइंट्स में नहीं हो सकती है। तो मुझे उम्मीद है कि अब आप लोग समझ गए होंगे कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब क्या है। अब आप क्या समझे इससे, मैं आपको पॉइंट्स बनाकर समझाता हूं। नंबर एक बात, फ्रैंकलिन की थ्योरी के मुताबिक जब आप 2 बॉडीज को रबिंग करोगे, एक के अंदर से इलेक्ट्रॉन निकलकर दूसरी बॉडी पर ट्रांसफर हो जाएंगे। किससे इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, जिसका वर्क फंक्शन कम होगा। किस पर ट्रांसफर होंगे, जिसका वर्क फंक्शन ज्यादा होगा। जिसका वर्क फंक्शन कम है उस पर आना है स्टूडेंट्स पॉजिटिव चार्ज, जिसका वर्क फंक्शन ज्यादा है उस पर आना है नेगेटिव चार्ज, ठीक है। ये तो बेंजामिन फ्रैंकलिन की थ्योरी है। दूसरी बात, कितना चार्ज आने वाला है भाई, एन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर यहां से यहां हो गए तो यहां आ गया प्लस के एन ई, और वहां आ गया माइनस के एन ई। ये जो ई के सामने एन लिखा हुआ है ये हमेशा इंटीजर होगा, कभी फ्रैक्शन और पॉइंट में नहीं होगा। ये बात आपको बहुत अच्छे तरीके से स्टूडेंट्स याद रखनी है, भूलना नहीं है, आप ध्यान रखेंगे इस बात को। तो ये हमारा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का थोड़ा सा बेसिक है, अभी और पढ़ना है इसके बारे में थोड़ा डिटेल्स में, ठीक है। ठीक है, चलिए तो थोड़ा सा और हम लोग इसके ऊपर देखते हैं, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के अंदर हम थोड़ा सा और देखते हैं, ठीक है। देखिए, Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एन ई, Q इज इक्वल टू प्लस एन ई, यानी इस पर इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए हैं,
पॉजिटिव का मतलब है कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन बाहर निकले, यहाँ का मतलब इलेक्ट्रॉन इसके पास में एक्सेप्ट हुए हैं। लेस वर्क फंक्शन, और इसका जो वर्क फंक्शन है वो है मोर वर्क फंक्शन। स्टूडेंट्स ध्यान रखिएगा, ठीक है। एन की वैल्यू क्या नहीं होनी है, पहले तो क्या होनी है आप ये देखिए, एन की वैल्यू हमेशा इंटीजर होगी, कभी अपॉन में नहीं होनी है और कभी डेसिमल में 0.7 0.5 ऐसे कभी नहीं होनी है। ये हो सकती है, ये नहीं हो सकती है, ये क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब है, ठीक है। ओके, तो हर एक चीज को आप अच्छे तरीके से नोट करते रहिएगा। पहली स्लाइड में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बाद में चार्ज क्या है और चार्ज के टाइप्स क्या है, उसके बाद में यूनिट्स ऑफ चार्ज क्या है, चार्ज की यूनिट्स क्या है, ध्यान से बिल्कुल। उसके बाद में चार्ज की पहली प्रॉपर्टी क्या है, लाइक चार्ज रिपेल टू ईच अदर एंड अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट टू ईच अदर। उसके बाद में एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज एंड देन अब क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ठीक है। अच्छे तरीके से आपको ये बात याद रखनी है। ओके, इसे पॉज करके आप नोट कर लीजिएगा ध्यान से। देखिए नोट्स का मतलब क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो नोट्स को लेकर ना यार बच्चों के दिमाग में बड़ा सा मिसकॉन्सेप्ट है। अभी मैंने कहा ना कि दो दिन के बाद में हम अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर शिफ्ट होने वाले हैं, तो वहाँ तो मैंने तुम लोगों के लिए बड़ा अरेंजमेंट किया है, वीडियो लेक्चर के साथ में नोट्स, DPPs जो पढ़ा रहे हैं उसी के ऊपर क्वेश्चंस, टेस्ट ऑनलाइन ऑफलाइन बहुत कुछ रखा है मैंने वहाँ पर। अभी इन दो दिन में आप क्या करेंगे, जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसके नोट्स आप कैसे बनाएंगे, अपनी कॉपी लीजिए आराम से बैठिए और जितनी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ नोट्स हमेशा अपनी लैंग्वेज में बनाइए। दो दिन के तो कम से कम अपनी लैंग्वेज में बनाइए यार, स्टार्टिंग का बड़ा इंपॉर्टेंट क्लासेस होती हैं, अपनी लैंग्वेज में बनाइए। जो आपको पढ़ाया जा रहा है उसे जो आप समझ रहे हैं उसे अपनी लैंग्वेज में बनाकर लिखिए, इससे आपको बहुत फायदा होगा। सबसे पहली बात तो आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे, दूसरी बात क्या है कि जो अपने हाथ से नोट्स बनाएंगे वो हमेशा आपके दिमाग में रहेंगे, कभी निकलने वाले नहीं है। तो ज़रूरी है कि नोट्स आप अपने आप बनाएं, बाकी मैंने लिखा हुआ है इसके अंदर, यहाँ से भी आप नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। ओके, सो अभी हम लोग आ जाते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के एक एग्जाम्पल के ऊपर। देखो अभी हम एग्जाम्पल की बात करते हैं, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का एक एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। लाइक मान लेते हैं कि ये हमारे पास में ग्लास रॉड है और जो दूसरे वाला है ये हमारे पास में सिल्क क्लोथ है, ठीक है। एक हमारे पास में ग्लास के रॉड है और एक हमारे पास में सिल्क का क्लोथ है, ठीक है। जैसे ही मैं इन दोनों को आपस में रबिंग कराता हूँ स्टूडेंट्स, मैंने इन दोनों को आपस में रबिंग कराया तो मैं आपको बता देता हूँ, मैं आपको क्लियरली पहले ही बता देता हूँ, ग्लास का जो वर्क फंक्शन है वो सिल्क के कंपैरिजन में कम है स्टूडेंट। ग्लास का वर्क फंक्शन कम है, सिल्क का जो वर्क फंक्शन है वो ज़्यादा है। तो बिल्कुल सारी बात क्लियर हो गई है। कैसे क्लियर हो गई, सिल्क का अगर वर्क फंक्शन ज्यादा है तो सिल्क पर हमेशा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट होंगे और ग्लास से हमेशा इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। तो जैसे ही आप इन्हें रबिंग कराओगे तुरंत यहां से कुछ इलेक्ट्रॉन यहां से यहां ट्रांसफर हो जाएंगे ऐसे, ठीक है। अब जैसे यहां इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे ग्लास की रॉड के ऊपर आ जाएगा हमारे पास में पॉजिटिव चार्ज और सिल्क का जो क्लोथ है उसके ऊपर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। यहां आ जाना है हमारे पास में नेगेटिव चार्ज, यहां कितना पॉजिटिव चार्ज जाना है, मैंने माना कि एन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गए स्टूडेंट्स, क्या हो गए, एन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गए। तो यहां कितना चार्ज आ गया है, प्लस एन ई, और यहां कितना चार्ज आ गया है, यहां आ गया है माइनस एन ई। एक पर आ जाएगा प्लस एन ई और दूसरे के ऊपर आ जाएगा माइनस एन ई, याद रखिएगा इस बात को, बिल्कुल नहीं भूलना है। तो जब भी प्रॉब्लम आएगी तो जिस बॉडी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा आप तुरंत समझ जाएंगे इससे इलेक्ट्रॉन निकले हैं और इसका वर्क फंक्शन जो है ना वो कम है, और जिसके जिस पर नेगेटिव चार्ज आएगा उस पर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट हुए हैं और उसका वर्क फंक्शन जो है वो ज्यादा है, ठीक है। अभी एक और एग्जाम्पल की हम लोग बात करते हैं, इसे आप पॉज करिए और नोट करिए, ठीक है। एग्जाम्पल ग्लास रोड एंड सिल्क क्लॉथ, कुछ टेक्निकल इशू आ रहा है यार जिससे बार बार स्लाइड चेंज करनी पड़ रही है, नेक्स्ट क्लास में थोड़ा रेक्टिफाई करेंगे इसे। एग्जाम्पल नंबर टू, हम आप ये समझिए कि 18 आवर्स काम कर रहे हैं आप लोगों के लिए, 18 घंटे काम कर रहे हैं कि हम क्लासरूम के एक्सपीरियंस को और बेहतर किस तरीके से बना सकते हैं, और उम्मीद करते हैं जो हम लोग आप लोगों के लिए लेकर आने वाले हैं
उससे आपका एक्सपीरियंस बहुत बेटर होगा, स्टूडेंट्स बहुत ही बढ़िया होगा, बहुत मजा आएगा आप लोगों को। घर रहकर आप लोगों को बिल्कुल वही फीलिंग आएगी कि आप क्लासरूम के अंदर पढ़ रहे हैं, ठीक है। अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट्स को उसमें मिसकॉन्सेप्ट हो रहा है, बहुत सारी कॉल्स हमारे पास में आ रही है कि सर हम रजिस्ट्रेशन कैसे कराएं। बहुत आसान तरीका है बच्चों रजिस्ट्रेशन कराने का। रजिस्ट्रेशन कराने का तरीका यह है कि आप लोग क्या तो इंस्टीट्यूट विजिट कर लें, क्योंकि इतनी पैनिक वाली कंडीशन नहीं, एक आधा स्टूडेंट आ सकता है। या अगर आप इंस्टीट्यूट भी नहीं आना चाहते हैं, आप वाया पेटीएम वाया गूगल पे आप हमें 250 रुपीज़ रजिस्ट्रेशन चार्जेस हमें भेज सकते हैं। साथ में व्हाट्सएप पर अपनी डिटेल्स, अपना नाम, स्कूल का नाम, सब्जेक्ट जो आप पढ़ना चाहते हैं वो आप हमें भेज सकते हैं। हम यहाँ से आपका रजिस्ट्रेशन करके और आपको लॉगिन आईडी और पासवर्ड प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल नंबर टू देखिए हमारे पास में क्या है। एग्जाम्पल नंबर टू में एबोनाइट रॉड, मैन वर्सेस वाइल्ड के अंदर जो वो बियर ग्रिल्स है उसके हाथ में जो होता है उसे बोलते हैं एबोनाइट रॉड, जिसका यूज करके वो स्पार्किंग प्रोड्यूस करता है बच्चों, एबोनाइट रॉड, ठीक है, ओके। और एबोनाइट रॉड के साथ हमारे पास में है फर। जैसे ही हम इन दोनों को आपस में रबिंग कराने वाले हैं स्टूडेंट्स, ठीक है, तो आप ये समझिए यहां से कुछ इलेक्ट्रॉन यहां ट्रांसफर होने वाले हैं। अब जैसे यहां से यहां इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे, यहां कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव, यहां कैसा चार्ज आएगा, नेगेटिव। इसका वर्क फंक्शन ज्यादा है, इसका वर्क फंक्शन कम है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट कंडीशन क्या है हमारे पास में, अ पीस ऑफ वूल और दूसरा है हमारे पास में पॉलिथीन। जैसे ही इन दोनों को हम आपस में रबिंग कराएंगे, यहां से कुछ इलेक्ट्रॉन निकलकर यहां ट्रांसफर हो जाएंगे स्टूडेंट्स। अब जैसे ही यहां से कुछ इलेक्ट्रॉन यहां ट्रांसफर होंगे, यहां आ जाना है पॉजिटिव चार्ज, यहां आ जाना है नेगेटिव चार्ज, वूल का जो वर्क फंक्शन है वो हो जाएगा कम और पॉलिथीन का जो वर्क फंक्शन है वो हो जाएगा ज्यादा, ठीक है। तो ये सारी बातें आपको अच्छे तरीके से ध्यान में रखनी है। लिमिटेशन ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, लिमिटेशन ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। सो आज की क्लास में स्टूडेंट्स हमारा इतना ही है, क्योंकि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का जो टॉपिक है वो काफी बड़ा है। हम इसके बाद में सीधा बात करेंगे लिमिटेशन ऑफ चार्ज की, क्योंकि स्पेस कम है। आज काफ़ी सारी वीडियोस हम अपलोड कर चुके हैं, तो बहुत लंबी वीडियो हम लोग नहीं डाल सकते हैं, इसीलिए आज की क्लास हमारी यहीं तक रहेगी। कल हम लोग बात करेंगे इसके आगे और टॉपिक हम पढ़ेंगे लिमिटेशन ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, और इसके बाद हम क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के न्यूमेरिकल्स स्टार्ट करेंगे। इसके कम से कम एट टाइप्स के न्यूमेरिकल क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के ऊपर बनते हैं। स्टेप बाय स्टेप बाय स्टेप हम एक न्यूमेरिकल को स्टडी करेंगे। तो आज की क्लास में मैंने आप लोगों को क्या पढ़ाया बच्चों, आज की क्लास में हमने सबसे पहले बात की स्टूडेंट्स इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, स्टेशनरी चार्ज की प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। इसकी बात अभी हम नहीं करेंगे यहां पर। इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में मैंने आपको बताया, इलेक्ट्रिक चार्ज दिखाता है इलेक्ट्रॉन की कमी को या इलेक्ट्रॉन के ज्यादा होने को, ठीक है। दो टाइप का होता है, नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन की कमी, पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन का ज्यादा होना। यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज मैंने आपके सामने एक एक करके डिस्कस की, आप अच्छे तरीके से याद रखिएगा। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज मैंने अभी तक आपको तीन प्रॉपर्टीज ही बताई हैं, लाइक चार्ज रिपेल टू ईच अदर एंड अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट टू ईच अदर। उसके बाद में एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज की प्रॉपर्टी हमने आपको बताई है, ओके। इसके बाद में क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को हम लोगों ने डिस्कस किया, और मैंने आपको बताया कि हमेशा Q इज इक्वल टू, अगर आपके सामने लिखा हुआ है Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एन ई, तो ये N हमेशा इंटीजर को दिखाएगा, कभी भी पॉइंट में या फ्रैक्शन में नहीं होगा। और मैंने जैसा कि कहा कि इस पर न्यूमेरिकल की वैरायटीज बहुत ज़्यादा हैं, हम लोग लिमिटेशन पढ़ने के बाद कल से इसके ऊपर स्टेप बाय स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चंस को पढ़ना स्टार्ट करेंगे, ठीक है, ओके। सो इसके बाद हमारा लिमिटेशन ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, इसकी बात हम लोग नेक्स्ट क्लास के अंदर करने वाले हैं। थोड़ा सा आप लोग धैर्य रखें और आराम से काम करें, फोकस होकर काम करें। सबसे बढ़िया बात क्या है आप लोगों के लिए कि भैया अगर ऑफलाइन क्लासेस होती है, हाँ ये पता है कि थोड़ी सी पंक्चुअलिटी ऑफलाइन क्लासेस के अंदर बढ़ जाती है, बच्चा टीचर्स के सामने थोड़ा सभ्य व्यवहार करता है,
लेकिन क्या है कि ऑफलाइन क्लासेस में आपके पास में ऑप्शन है कि आप किसी भी टाइम वीडियो को एक्सेस करके आराम से देख सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स को कई कई बार आप रेक्टिफाई करके देख सकते हैं। जितनी आप मेहनत करेंगे उतना अच्छा रिजल्ट निकल कर आएगा स्टूडेंट्स। ओके, थैंक यू वेरी मच।